हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबीये स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल सी एन गजबीये में। आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन के बारे में, मतलब कि जेनरिक दवाओं को कैसे पहचाने और जेनरिक दवा क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनरिक दवा को आप कैसे पहचान सकते हो, जेनरिक दवा की क्या पहचान होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब होती है जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हो या फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हो या फिर किसी क्लिनिक में जाते हो, आप किसी भी मेडिसिन को खरीदते हो जिसका मतलब कहना चाहिए कि आपको जो डिजीज़ आपको हुई है, डिजीज़ के लिए आप क्या करते हो, मेडिसिन परचेस करते हो, मेडिसिन को क्या है खरीदते हो, मेडिसिन को लेते हो, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप जिस मेडिसिन को ख़रीद रहे हैं वो पेटेंट है या फिर जेनरिक है या फिर ब्रांडेड मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों आज हम वन बाय वन इसमें जानेंगे सभी के बारे में, और डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा जेनरिक मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे छोटी से छोटी जो जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जेनरिक मेडिसिन के बारे में। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप आसानी से जेनरिक मेडिसिन को पहचान पाएंगे और पेटेंट और ब्रांडेड मेडिसिन को पहचान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ये डिफरेंट कर पाओगे कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पेटेंट मेडिसिन की। जब कभी किसी को किसी प्रकार की बीमारी आती है, डिजास्टर होते हैं, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं। जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले कोविड आया, ठीक है दोस्तों, तो उसकी वैक्सीन बनी। ऐसे ही बीमारियाँ आती है तो उनसे रिलेटेड मेडिसिन का आविष्कार करते हैं, यानी कि कोई बीमारी, नई बीमारी आई, जैसे कोविड आई थी तो उसमें क्या हुआ, वैक्सीन बनाई गई, उसमें रिसर्च हुआ, उसके बाद वैक्सीन बनी। इसी प्रकार से यदि कोई बीमारी, नई बीमारी आती है, फिर बीमारी आती है तो उसमें मेडिसिन के बारे में रिसर्च किया जाता है, उस पर्टिकुलर जो बीमारी है उसके बारे में रिसर्च किया जाता है और उसकी वैक्सीन या फिर मेडिसिन का रिसर्च किया जाता है उसको डेवलप करने में, उसको आविष्कार करने में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों कि यदि कोई इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करता है, कंप्लीट करता है रिसर्च को और किसी फार्मूले को बना लेती है, यानी कि जो मेडिसिन का फार्मूला है उसको बना लेती है। तो वह क्या करता है दोस्तों, जो रिसर्च वाला है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, रिसर्च फार्मा होती है, तो वो जब मेडिसिन को बना लेता है, उसको फार्मूले को बना लेता है, तो उसको क्या करता है दोस्तों, पेटेंट करा लेता है, पेटेंट उसको करा लेता है, उस मेडिसिन को पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट को वो बोलेगा कि मैंने ये मेडिसिन को डेवलप किया हूँ, आविष्कार किया हूँ, और मुझे ये मेडिसिन को डेवलप करने में, रिसर्च करने में इतना खर्चा आया, मुझे इतना रुपए लगा इसमें, और अपना टाइम वेस्ट करके मैंने इस मेडिसिन का, वैक्सीन का रिसर्च किया है, तो जब तक मैं इस पूरी रिसर्च का अपना पैसा वसूल ना कर लूँ तब तक मेरे अलावा इस मेडिसिन को कोई नहीं बेचेगा। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं पेटेंट। तो दोस्तों पेटेंट बहुत सारे होते हैं, इसमें 10 ईयर का होता है, 20 ईयर का होता है, 40 ईयर का होता है, 30 ईयर का पेटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे कि उसको कितने ईयर का पेटेंट कराना है। अब दोस्तों पेटेंट होने के बेनिफिट क्या होते हैं, पेटेंट कराने के बेनिफिट क्या होते हैं, पेटेंट होने के फ़ायदे ये हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उस मेडिसिन की रिसर्च की है वो कंफर्म करेगी, वो डिक्लेयर करेगी कि इस मेडिसिन को कितने प्राइस में बेचना है, कितनी एमआरपी में बेचना है। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या कि जिसने रिसर्च किया सिर्फ वही बेचेगा, यानी कि ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंट्री है और उनके बीच में एक कंट्री है, सिर्फ वही कंट्री उस मेडिसिन को बेचेगी। अब बाकी के लोगों के पास क्या है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है, तो वो किसी भी प्राइस पे वो मेडिसिन को दे, उनको लेना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पेटेंट मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, जो कि कॉस्टली पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पेटेंट मेडिसिन के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों ब्रांडेड मेडिसिन की। अब पेटेंट के बाद क्या करती है दोस्तों, पेटेंट के बाद बहुत सारी कंपनी उसको क्या करती है, ब्रांड नेम दे देती है, ब्रांडेड बना देती है, ब्रांड उसका बन जाता है। जैसे कि आज के समय की
कॉमन मेडिसिन है पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि पैरासीटामोल जेनरिक और ब्रांडेड में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, कैसे उसको डिफरेंट किया जाए, ब्रांडेड है या फिर जेनरिक है। तो दोस्तों जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, कंपनी उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा के उस मेडिसिन को बेचती हैं। यदि बात की जाए उस ड्रग की, उस फॉर्मूले की, जैसे कि पैरासीटामोल है, उसके एपीआई की, यानी कि उसमें हो यूज़ होने वाले एपीआई की, तो दोस्तों जेनरिक हो, पेटेंट हो या फिर ब्रांडेड हो, सभी एक ही मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ चेंजेस होता है ब्रांड नेम का। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी कंपनी का ब्रांडेड माल है, कितनी बड़ी कंपनी का ब्रांड है, कितनी बड़ी कंपनी की मेडिसिन्स खा रहे हैं, जबकि इसका कंज्यूमर पर किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, खाने वाले पर किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वह जेनरिक हो, पेटेंट हो या फिर ब्रांडेड हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस भी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, जिस मेडिसिन को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जेनरिक मेडिसिन का ही उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट क्या है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेडिकल खोल रही हैं, जैसे कि जनधन आरोग्य जो मेडिकल है वो खोल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, और बहुत सारी जो मेडिकल शॉप है वो गवर्नमेंट खोल रही है। उसमें क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो सस्ते दामों में अवेलेबल होती है, जिन पर सिर्फ जेनरिक मेडिसिन मिलती है, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, जिसका बेनिफिट है कि कम कॉस्ट में आपको बेटर मेडिसिन प्रोवाइड कराना। अब बात करते हैं दोस्तों हम आइडेंटिटी पहचान की, किस प्रकार से आप पहचान सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, आइडेंटिटी की, कि कैसे आप मेडिसिन को पहचान सकते हो जेनरिक है या फिर ब्रांडेड है या फिर पेटेंट है। पहली बात तो यह है कि दोस्तों कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो उसके जेनरिक नेम को चेंज कर देती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जेनरिक नेम प्रिंट तो करेगी ही, साथ ही उसको एक ब्रांडेड नेम दे देगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पैरासीटामोल टैबलेट है, तो इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हो इसमें लिखा है पैरासीटामोल टैबलेट IP, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। लेकिन इसके नीचे क्या है दोस्तों, इसके नीचे इसने दे दिया ब्रांडेड नाम दे दिया। आप देख सकते हो इसमें ये ब्रांडेड नाम दे दिया, इसमें ब्रांडेड नेम क्या दे दिया दोस्तों, पैरासिप 500 mg। तो इसने आगे नाम में क्या चेंज कर दिया, इसने नाम में ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रांड नाम इसमें चेंज कर दिया, इसने नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, जबकि एक्चुअल नेम इसका क्या है दोस्तों, पैरासीटामोल है। और यदि आप पैरासीटामोल के नाम से ख़रीदेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे, लेकिन आपको जेनरिक मेडिसिन ख़रीदनी है, तो उस मेडिसिन का जो नाम है उसके ब्रांड नेम की जगह सिर्फ पैरासीटामोल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पैरासिप या फिर अदर किसी कंपनी का नाम नहीं रहेगा। तो आप कुछ इस प्रकार से पहचान सकते हैं। मतलब दोस्तों सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ब्रांडेड मेडिसिन है तो ब्रांडेड नाम यदि उसमें लिखा है, उसकी जगह ब्रांडेड नेम नहीं, उसका फार्मूला का नाम लिखा है, तो वह जेनरिक मेडिसिन है। और जेनरिक के साथ साथ यदि उसमें ब्रांड नेम लिखा है तो वह ब्रांडेड मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रांड की जगह जेनरिक आएगा और जेनरिक की जगह ब्रांडेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी मेडिसिन को पहचान सकते हो, ये ब्रांडेड है या फिर जेनरिक मेडिसिन है। अब दोस्तों इसमें आगे बात करेंगे ब्रांड की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ब्रांड है, जब कोई जेनरिक मेडिसिन को ब्रांडेड नेम से बेचती है, तो वह मेडिसिन कॉस्टली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें बात की जाए सेफ्टी और ड्रग की, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो भी जेनरिक मेडिसिन है, तो दोस्तों चेंजेस सिर्फ इतना रहता है कि जो भी मेडिसिन है, यानी कि पेटेंट टाइप की रहती हैं, उन्हें सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही होती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं बनाएगी, जिससे वह कॉस्टली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती क्यों पड़ती है। तो दोस्तों कोई आपको बोलेगा कि
जेनरिक मेडिसिन मत खरीदो, क्यों? क्योंकि वह मेडिसिन सस्ती होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जेनरिक मेडिसिन को क्या है दोस्तों, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मल्टीपल जो कंपनियां होती है उसको बनाती है, ठीक है दोस्तों, जिस वजह से उसका जो प्राइस है दोस्तों वो कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल बात करेंगे दोस्तों, जैसे जीरो डॉल टैबलेट है, जीरो डॉल जो है कंपनी बनाती है, तो कंपनी इसको अपना नाम दे दी है, जीरो डॉल उसका ब्रांड नेम हो गया, तो सिर्फ जीरो डॉल नाम से सिर्फ वही कंपनी बनाएगी, ठीक है दोस्तों। जीरो डॉल के नाम से और कोई कंपनी उस टैबलेट को नहीं बना सकती है। जेनरिक मेडिसिन का प्राइस जो होता है दोस्तों वो कम होता है, लेकिन इसका मीनिंग यह है बिल्कुल भी नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ करती हो, क्योंकि दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, भले वह डोमेस्टिक हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनी हो, सबको गवर्नमेंट के बनाए स्टैंडर्ड को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बनाए स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही वह उस मेडिसिन को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जेनरिक हो या फिर ब्रांडेड हो, सभी उस सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसको एक जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी फॉलो करती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।